नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन का क्या होगा? महाराष्ट्र के रण में क्या बीजेपी और शिवसेना एक साथ आगे बढ़ेंगे? 25 साल पुराने इस गठबंधन पर कहीं ना कहीं तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि शिवसेना के साथ उसका गठबंधन आगे बढ़ेगा और शिवसेना का भी लगभग यही दावा है, लेकिन सवाल यह है कि इन परिस्थितियों में किस तरीके से बीजेपी शिवसेना आगे बढ़ने वाली है। अभी तक अगर दोनों ही पार्टियों की तरफ से देखा जाए तो नेताओं के बीच में तकरार नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियां उस फॉर्मूले को सामने रखने के लिए तैयार नहीं है कि किस ओर उनका सामंजस्य बढ़ने वाला है। वहीं अगर एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की बात की जाए तो लगभग हाल बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर गठबंधन यहां पर बीजेपी और शिवसेना का टूटता है तो नुकसान किसे होने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संकट में गठबंधन, कब सुलझेगी गठबंधन की गुत्थी? बीजेपी गठबंधन के पक्ष में लेकिन 119 सीटें मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन का क्या होगा? ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी शिवसेना को घुड़की तो दे रही है लेकिन अलग होने के फैसले से डर रही है। मुंबई में आज बीजेपी नेताओं की बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने फैसला किया कि अगर सीटों को लेकर कोई सम्मानजनक फैसला नहीं होता है तो वो अकेले लड़ना ही पसंद करेगी। वहीं कहा यह जा रहा था कि आज की बैठक में बीजेपी गठबंधन पर आखिरी फैसला कर लेगी, यानी एक बार फिर बीजेपी बैकफुट पर ही नजर आ रही है। इसी का फायदा उठाते हुए शिवसेना ने बीजेपी की पहले से भी सीटें कम कर दी है। इसका एक कारण हाल के दिनों में हुए उपचुनाव भी हैं। इन चुनावों में बीजेपी का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा था, तो उधर बीजेपी शुरू से ही कह रही है कि अगर उसे बराबर सीटें ना मिली तो वो अकेले लड़ना पसंद करेगी। कल भी बीजेपी ने शिवसेना को 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 24 घंटे बीत चुके हैं और अब वो सम्मानजनक फैसले की बात करने लगी है। और वहीं बीजेपी का कहना है कि बीते 25 साल में जिन 59 विधानसभा सीटों पर शिवसेना कभी नहीं जीती उस पर चर्चा चाहते हैं। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि हम बातचीत कर रहे हैं, शिवसेना हमारी बहुत पुरानी साथी है और हम नहीं चाहते हैं कि ये गठबंधन टूटे। इसमें अभी किसी ने नहीं कहा कि रिश्ता टूट गया है, ये बातचीत चल रही है और हमें लगता है कि दोनों पार्टियां बहुत ही पुरानी साथी हैं और चुनाव से पहले अगर गठबंधन होता है तो इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की बातचीत होती रहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसका सकारात्मक रिजल्ट आएगा और बहुत जल्दी आप लोगों को जानकारी मिलेगी। इससे पहले शुक्रवार को बीजेपी की मीटिंग के बाद पार्टी नेता एकनाथ खड़से और सुधीर मुनगंटीवार ने मीडिया से कहा था, हम नहीं चाहते कि गठबंधन टूटे, लेकिन पार्टी सम्मान और समाधान के आधार पर मामले का निपटारा चाहती है। बीजेपी ने जो नया फॉर्मूला शिवसेना के पास भेजा था उसके मुताबिक बीजेपी 78 सीटों पर फिर से बात करना चाहती है। इनमें से 59 सीटें शिवसेना के खाते में हैं और इन सीटों पर शिवसेना कभी चुनाव नहीं जीती है। 19 सीटें बीजेपी के खाते में हैं और बीजेपी भी इन 19 सीटों पर कभी चुनाव नहीं जीती है। युवा सेना के अध्यक्ष और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी ओम प्रकाश माथुर के साथ बातचीत के बाद शुक्रवार की रात को कहा था, दोनों पार्टियों की मंशा कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र की है। जो चर्चा होगी वो आगे जाके उद्धव जी से कहनी है और इस पे आपको निर्णय जो है आपको जल्दी पता लगेगा। फॉर्मूलाज डिस्कशन ये सब हो गया है, अभी मुझे लगता है कि एक निर्णय का वक्त आ गया है और वो जल्दी आप सुनाए। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना बीजेपी गठबंधन में आए तनाव को दूर करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में मोदी ने नितिन गडकरी को 2 बार तलब किया और उनसे हालात का जायजा लेकर किसी भी हालत में गठबंधन न टूटने के निर्देश दिए और ये सूचना शिवसेना नेताओं तक भी पहुंचाई गई। इसके बाद शिवसेना नेताओं का रुख भी कुछ नरम हुआ है। सुदर्शन न्यूज के लिए गणेश पाठक की रिपोर्ट। दरअसल महत्वपूर्ण ये है कि ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी यानी आदित्य ठाकरे भी कहीं ना कहीं इस चर्चा में कह लीजिए या दोनों पार्टी के सामंजस्य बिठाने की परिस्थितियों के बीच कह लीजिए राजनीति में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि ये नई पीढ़ी क्या 25 साल पुराने गठबंधन को बचा पाएगी?
सवाल ये भी है कि आखिर जिस फॉर्मूले की तलाश की जा रही है वो कौन सा फॉर्मूला होगा। जाहिर है बीजेपी और शिवसेना के बीच जो गठबंधन रहा है उसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में अलग से 3-4 पार्टियां और जुड़ी हैं जिनको लेकर सामंजस्य यहां पर बिठाना है। सवाल यह है कि क्या प्रेशर पॉलिटिक्स यहां पर हो रही है, और अगर प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है तो दबाव किस पर है और कौन यहां पर झुकने के लिए तैयार होगा, और ये 25 साल का गठबंधन बचेगा या नहीं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। दिनेश सिंह बीजेपी नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर रमेश कुमार राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं, और डॉक्टर राकेश कपूर साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। कपूर साहब, जो फिलहाल की परिस्थितियां हैं आप किस ओर जाती देख रहे हैं इस महाराष्ट्र के रण को? देखो सुमित, बड़ी स्पष्ट है, हम कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन इन दोनों का अगर हम विश्लेषण करें तो शिवसेना जब से 25 वर्ष पहले से जब से बीजेपी के साथ गठबंधन रहा है शिवसेना एक बड़े भाई का रोल करती रही है, और लेकिन बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद शिवसेना जो है वो लगभग नेतृत्व विहीनता की स्थिति में है आज के हालत में। बीजेपी शिवसेना महाराष्ट्र शिवसेना बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद लगभग नेतृत्व विहीनता की स्थिति में इसलिए है क्योंकि जो बाल ठाकरे के जो उत्तराधिकारी समझे जाते थे राजनीतिक रूप से वो दूसरे ठाकरे साहब वो अपनी अलग एमएनएस या महाराष्ट्र क्या सेना है वो बना करके बैठ गए हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि महाराष्ट्र में पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा का जो प्रखर राष्ट्रवादी समग्र प्रखर राष्ट्रवादी चेहरा नरेंद्र मोदी के रूप में उतरा है उसका मुकाबला शिवसेना नहीं कर पाएगी, नहीं कर पा रही है। नहीं कपूर साहब, आप जिस नेतृत्व की यहां पर बात कर रहे हैं बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है? मैं अगर यहां पर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को एक बार फिर से आगे किया जाएगा, क्या लोकसभा चुनाव की कहीं ना कहीं छाया विधानसभा चुनाव पर भी रहने वाली? यही प्रमुखता रहेगी इन महाराष्ट्र के चुनाव में। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि ये चारों पार्टियां, दोनों गठबंधन की चारों पार्टियां दोस्ताना लड़ाई लड़ेंगी, ये आप मान करके चलिए। चूंकि दूसरी तरफ 15 साल से एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है, मुख्यमंत्री किसका रहा है? कांग्रेस का। जो 15 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सबसे ज्यादा किसकी तरफ जाएगा? कांग्रेस की तरफ। शरद पवार पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लोकसभा में देख चुके हैं कांग्रेस को 2 मिली उनको 4 सीटें मिली, इसीलिए वो शुरू से ये बात कह रहे हैं कि जब हमको ज्यादा सीटें मिली थी पिछले 2009 के विधानसभा में भी तब भी हमने मुख्यमंत्री आपका बनाया था, अब हमें ज्यादा सीटें दीजिए। कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन इतना भी तय है कि असली लड़ाई महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी और एनसीपी के बीच ही होगी। कांग्रेस को आप ये मान करके चलिए कि लगभग कांग्रेस का वहां पर जितना भी जनाधार था वो धीरे धीरे एनसीपी के साथ खिसकता चला जाए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं, यहाँ पर जिस तरीके से राकेश कपूर साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं नेतृत्व विहीनता शिवसेना के सामने है, अगर मैं यहाँ पर कपूर साहब की बात को मानूं, मुंडे जो वहां पर क्या कहते हैं चेहरा रहे थे बीजेपी के सामने, गोपीनाथ मुंडे बीजेपी की तरफ से, नहीं वही कह रहा हूं मैं, बीजेपी के साथ जिस वक्त बड़े नेता रहे गोपीनाथ मुंडे, तो वो नेतृत्व विहीनता जो है कहीं ना कहीं गोपीनाथ मुंडे के बाद बीजेपी के सामने भी वही बिल्कुल प्रश्न वही है। शिवसेना के सामने या शिवसेना के पास कम से कम उद्धव ठाकरे तो है, बीजेपी के पास क्या है? मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए कांग्रेस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार रही, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर 15 साल का है, क्या शिवसेना को उसका लाभ मिलेगा? नहीं, चूंकि राजनीति बदल गई है महाराष्ट्र की, इसलिए जो शिवसेना की जो स्थिति थी वो बहुत कमजोर होती जा रही है, और कांग्रेस का स्थान भाजपा ही ले सकती है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो लोग राजनीति समझते हैं ये सारी धमा चौकड़ी उठ बैठक के हमने फार्मूला दिया तुमने नहीं लिया ये किया वो किया ये सब यही हो रहा है। एनसीपी भी इस बात को समझती है, बीजेपी भी इस बात को समझती है, और शिवसेना भी इस बात को समझती है, इसीलिए उन्होंने अपना पल्ला भारी रखने के लिए कह दिया कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव से पहले ही, नाम घोषित होने से पहले ही। लेकिन ये तय है कि शिवसेना का बड़े भाई का स्तर जो रुतबा जो है वो नहीं रहने वाला। चलिए रमेश कुमार, मैं भी हमारे बड़े
बेस्ट पत्रकार, बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, राकेश कपूर जी कह रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम राजनीतिक विश्लेषण में ईमानदारी बरतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र की जो जमीन की जो हकीकत है कुछ और है। हकीकत जो आप सुमित कह रहे थे तो ज्यादा सही बात कह रहे थे कि गोपीनाथ मुंडे के हादसा में मृत्यु के बाद महाराष्ट्र में भाजपा के पास कोई भी जमीनी नेता का चेहरा नहीं है, तो भाजपा की मजबूरी ज्यादा है शिवसेना के मुकाबले में। भाजपा के पास कोई नहीं, पंकजा उस लायक हुई नहीं है, तावड़े साहब में नहीं है, और अभी जो बीजेपी कमान संभाल रहे हैं उनमें भी मतलब कोई जमीनी असर का नेता नहीं, जो ना कोई महाराष्ट्र में जानता है ना कोई देश में जानता है। गडकरी साहब को भेजने की बात थी वो भी रुक गई, तो भाजपा वहां नेतृत्वहीन है। और ये बात बिल्कुल शिवसेना की जमीन इस समय की स्थिति में शिवसेना का संगठन, शिवसेना का नेतृत्व, शिवसेना और शिवसैनिक भाजपा के मुकाबले मजबूत हैं, और भाजपा शायद इस बड़े भाई का जो व्यवहार कर रही है अपनी सीमा को समझने में कहीं ना कहीं भूल कर रही है, दिक्कत आएगी उसको महाराष्ट्र में। चलिए, उनको शिवसेना की बात माननी चाहिए उन्हें, और अभी जो गठबंधन का खेल है ये मामला ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कि मामला बिगड़ेगा, मामला बन जाएगी। थोड़ा शिवसेना सैनिक ज्यादा सीट ज्यादा मांग रहे हैं और ठीक संतुलन बना लें तो अच्छा होगा। सवाल यह है कि बड़े भाई और छोटे भाई की उपमा देते हैं आप एक दूसरे को, लेकिन इतना क्या हुआ है कि अब तक परिस्थितियां जो हैं यहां तक पहुंच गई हैं कि बयानबाजी तक आने लगी है कि हमने अल्टीमेटम दे दिया, आपने अल्टीमेटम दे दिया? नहीं सुमित जी, ऐसी कोई बयानबाजी, देखिए भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना की बात नहीं है, चुनाव है, चुनाव में दोनों पार्टियां चुनाव में जा रहे हैं, बल्कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी भी जा रही है, लेकिन ये बयानबाजी तब तक होती है कि जब तक कोई बात की सहमति नहीं बन जाती है। निश्चित तौर पर सारी पार्टियां हैं ज्यादा से ज्यादा सीटों पर, सब चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, हर पार्टी चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से कोई नैतिक दबाव बनाकर, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स जो आप दे रहे हैं कि बना के इस तरह से काम करना चाहती है, बात नहीं है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे, अभी मैं उनको सुन रहा था कि देखिए अभी जो हाल फिलहाल के चुनाव हुए हैं, 2014 का जो आम चुनाव हुआ है, कैसे आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जन आधार नहीं है? पिछली बार जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी उस समय भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ी थी और शिवसेना ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें आई। और अभी हाल फिलहाल के चुनाव में आप देख लिए शिवसेना और भाजपा का के गठबंधन को वहां पर जो है 52% वोट मिला और 36% मात्र वोट मिला आपको यूपीओ को, तो एनडीए को ज्यादा वहां वोट मिल रहा है, यूपीओ को कम वोट मिल रहा है। तो ये कहना और कहीं भी बड़े भाई और छोटे भाई की बात नहीं। और दूसरा एक सवाल और सवाल खड़ा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने कि भारतीय जनता पार्टी के पास महाराष्ट्र में नेता नहीं है। अजीब स्थिति हो गई, जब देश में चुनाव था उस समय भी लोग कह रहे थे कि कई नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को खड़ा करके पार्टी नेता बनाती है। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि नेता कोई ऊपर से नहीं टपकता है, देश की जनता और प्रदेश की जनता उसको नेता बनाती है। आप किसी बड़े नेता के खिलाफ लड़ जाइए तो आप नेता थोड़ी बन गए जाएंगे, नहीं, बड़े बड़े लोग अभी लड़ने गए थे। दरअसल जो मुख्यमंत्री का जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की तरफ से जो सामने आया, उद्धव ठाकरे जो है कहीं ना कहीं एक बड़े नेता है शिवसेना के, भाई इस वक्त अध्यक्ष है वो। सवाल यह है कि क्या ये शुरुआत वहीं से हुई जब उद्धव ठाकरे का बयान आया कि अगर उनके पास जिम्मेदारी आई तो वो तैयार हैं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए? कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो ये कहना चाहते थे कि मुख्यमंत्री पद अगर उन्हें मिलता है तो वो पूरी तरीके से तैयार है। दो चीजें, सवाल ये है कि क्या बीजेपी इससे नागवार गुजर रही है, क्या वो नहीं चाहती कि मुख्यमंत्री शिवसेना का बने? और वो जो 25 साल वाले गठबंधन के अंदर जो बड़े और छोटे भाई की पहले मैंने बात कही जिसमें आप उपमा इसे देते हैं, क्या वो खत्म इसलिए हो रही है? नहीं सुमित जी, बात यहाँ ये नहीं, अभी आज की तारीख में आप मुख्यमंत्री कैसे बना रहे हैं? आज सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बना सकते हैं, विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये बनाने का काम जनता करती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तो गठबंधन ही नहीं घोषित हुआ, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। ये बात तब होगी जब गठबंधन की बात होगी। आज हरियाणा के सीटों पर चर्चा हुई, कैंडिडेटों का नाम सामने आया है, कल महाराष्ट्र की सीट पर चर्चा होगी और बातें सामने आएंगी। हम सिर्फ तो अब क्योंकि शिवसेना का मामला था, उद्धव ठाकरे जी कुछ भी पब्लिकली जाके कह सकते थे, तो लेकिन हमारे किसी नेता की तरफ से इस तरह का कभी कोई बयानबाजी नहीं हुई। कल जब हमारा गठबंधन इस तरह से बनेगा, कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कौन हमारा नेता होगा,
ये आपको उचित फोरम पे उचित समय पर सबको जानकारी हो जाएगी और कहीं किसी पर कोई विवाद ही नहीं। जी, समय पर्याप्त है जो चुनाव आयोग ने जो समय दिया 15 तारीख से जो है चुनाव हो जाएंगे 15 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाला है। सवाल यह है कि चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, अब तक गठबंधन ने की सीटें ही कंफर्म नहीं हो पाई। कोई चुनाव याद आता है आपको इससे पहले 25 साल पुराना गठबंधन? बिल्कुल आ रहे हैं, बहुत चुनाव याद आते हैं कि दो दिन नामांकन रहता है, कभी ऐसी परिस्थितियों में देश की परिस्थितियों में नहीं। और दो चीज सुमित जी, हम नहीं ठीक है, दरअसल शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन महाराष्ट्र में काफी महत्वपूर्ण है। अगर हम महाराष्ट्र की परिस्थितियों के ऊपर बात करें तो ज्यादा बेहतर है, नहीं वही और एग्जांपल हो सकते हैं। देश के अंदर बात करेंगे तो बहुत एग्जांपल आ जाएंगे दिनेश जी। नहीं सुमित जी, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। एक मिनट मुझे बताइए आप जी कि आप घर पे ही कोई फैसला लिए, संगठन के स्तर पे कोई फैसला, फैसला लेने के बाद अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो मुझे लगता है कि वो हास्यास्पद स्थिति होती है। आपको फैसला लेने में थोड़ा विलंब हो जाए, आप देर आइए लेकिन दुरुस्त आइए, मुझे लगता है बात ठीक होनी चाहिए। आप कहिए कि नहीं आज हम फैसला कर लें और कोई बात कल लोग मीडिया में जाके बयानबाजी करें, तो मुझे लगता है कि किसी भी दल के लिए, मैं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लिए ही नहीं, मुझे लगता है किसी भी दल के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी संस्था के लिए ठीक नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जितना चुनाव आयोग ने समय दिया, और सिर्फ चुनाव डिक्लेयर हो जाने के बाद तैयारी थोड़ी होती है, कैंडिडेट अपनी तैयारी जो है 5 साल से करते हैं, जिनके अंदर रुतबा है, जिनको जानते हैं कि इनको क्षेत्र में उतारना, सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। दरअसल कैंडिडेट को अभी तक पता नहीं है ना कि वो कहां कहां चुनाव लड़ने वाले, कहीं ना कहीं एक एक क्वेश्चन मार्क तो होगा जहन में, क्वेश्चन मार्क तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट के जहन में होगा ना कि टिकट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कट जाएगा। एक एक सीट पे सुमित भट नेचुरल हर पार्टी में एक एक सीट पे 10-10, 5-5 लोग होते हैं, सारी अपनी तैयारी कर रहे हैं। अमित मिश्रा जी, शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की जो परिस्थितियां हैं उससे अलग कांग्रेस और एनसीपी की भी नहीं है? देखिए सुमित जी, पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो एनसीपी का और जो कांग्रेस का गठबंधन है वो 15 साल पुराना गठबंधन है। 3 टर्म हम लोगों ने साथ साथ बिताई, जनता का 25 साल का लेके आगे बढ़ रहे हैं, तब इतनी परेशानी उसे जनता ने नकारा, उस 25 साल के गठबंधन को जनता ने नकारा, एक बार नहीं कई कई बार नकारा, लेकिन हमें जनता का भरपूर प्यार मिला, इस गठबंधन को जनता का आशीर्वाद मिला। अब रही बात तनातनी की, तो एक बार स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मतभेद हमारे बीच में है, मनभेद नहीं है। राज्य स्तरीय जो नेता हैं वो लोकतंत्र में चाहते हैं कि दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, एनसीपी भी राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस भी राजनीतिक पार्टी है, लोकतंत्र में दोनों पार्टियां चाहती हैं कि उनको अधिक से अधिक भागीदारी मिले। इसी जोर आजमाइश में, इसी रस्साकशी में एनसीपी भी चाहती है कि उसको ज्यादा भागीदारी मिले, उसके ज्यादा लोग चुनाव में लड़कर आए और जीत प्राप्त करें, और कांग्रेस भी चाहती है। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव को बीते हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उन परिस्थितियों को लेकर जो लोकसभा चुनाव में नहीं आई थी सामने, विधानसभा चुनाव में सामने आ रही है। सवाल यह है कि ऐसा क्या बदल गया है जो एनसीपी इस तरीके से या कांग्रेस के बीच में यह खटाई जो है आमने सामने आने लगी है? नहीं, मैंने आपको बताया सुमित जी, खटाई का मसला नहीं है। अगर आप हमारे राष्ट्रीय नेताओं की बात सुनते हैं, यदि हमारी माननीय सोनिया गांधी जी की बात सुनते हैं या एनसीपी के शरद पवार जी की बात सुनते हैं, तो कहीं से भी दोनों के बीच में कभी भी ऐसा बयान नहीं आया, प्रचार तक किया ऐसा बयान नहीं आया कि कहीं से गठबंधन को खतरा है। और कल आप देखेंगे दोनों राष्ट्रीय नेता आपस में मिलेंगे और लगभग 10 या 12 सीट ऐसी हैं जिन पर भी कहीं ना कहीं कुछ गतिरोध है। 124 सीटें कांग्रेस उनको देना चाहती है और 144 पे एनसीपी फाइट करना चाहती है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है बीच में, 10 या 12 सीट ऐसी हैं जहां पर ही कुछ गतिरोध उत्पन्न है। कपूर साहब, दोनों की अगर परिस्थितियां मापी जाए तो ज्यादा परेशानियां किसकी लग रही है? देखिए, पब्लिक पोस्चरिंग हो रही है अभी जो बता रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता है ना ये जी, कांग्रेस की तरफ से अच्छा जो भी है, ये सिर्फ पब्लिक पोस्चरिंग है, ये सतही बातें हैं जो कार्यकर्ताओं को नेता बता देते हैं, वो उसको दोहराने लगते हैं। असलियत ये है कि आप पिछले चुनावों का इतिहास देख लीजिए, विभिन्न विधानसभाओं का सिंगल पार्टी को बहुमत मिला है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए सिंगल पार्टी, उत्तराखंड में चुनाव हुए चाहे किसी को ही मिला, सिंगल पार्टी को मिला है। पिछले 15 साल से जो कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन चला है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बदले गए हैं और जिन परिस्थितियों में बदले हैं कांग्रेस ने, और शरद पवार ने पूरी राजनीतिक दूरदर्शिता दिखा करके मुख्यमंत्री का पद नहीं लिया है, इसको समझिए आप, इस बात को हमें समझना चाहिए कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन लड़ेगा तो किससे लड़ेगा? कांग्रेस एनसीपी से लड़ेगा। एनसीपी और कांग्रेस के बीच में जिस प्रकार के समीकरण रहे हैं और अब आकर के कांग्रेस के एनसीपी के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कह रहे हैं कि ये नाकारा मुख्यमंत्री है कांग्रेस का, इसके साथ हमको काम नहीं करना चाहिए था, जिसका मतलब क्या है? जो एंटी इनकम्बेंसी का जितना भी ठीकरा है वो कांग्रेस के सिर फोड़ना चाहते हैं एनसीपी, क्योंकि उनको मालूम है
कि इन चुनावों में अगर कांग्रेस एनसीपी साथ मिलकर के लड़ते हैं तो उनकी जबरदस्त पराजय होनी निश्चित है। इसलिए ये जो पब्लिक ये इट इज नॉट ए पोस्टरिंग, जो इनसाइड पोस्टरिंग जो हो रहा है इसलिए हो रहा है। और शरद पवार जानता है, इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं शरद पवार कि उनका मुकाबला अंततः बीजेपी से ही होना है, चूंकि बीजेपी का तो फिर इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है कपूर साहब, अगर पता है कि एंटी। इसलिए मैंने शुरू में क्या कहा, ये दोस्ताना चतुष्कोणीय लड़ाई होने जा रही है महाराष्ट्र में इस बार। बीजेपी भी 200 सीटों के लगभग खड़ी करेगी, एनसीपी भी 200 सीटों के लगभग खड़ी करेगी, और चूंकि उनको मालूम है कि प्रदेश की जनता का मूड बदल चुका है, देश के जितने भी प्रदेश हैं सबकी जनता सिंगल पार्टी को पूर्ण बहुमत देना चाहती है। तमाम पार्टियां नहीं, हम कहते हैं ना फ्रेंडली फाइट, नहीं फ्रेंडली फाइट हो तो फ्रेंडली फाइट है ना, कि अगर आप अगर आप अगर 200 सीटों पर खड़े कर रहे हैं वो भी करें, खड़े हैं आप वो भी खड़े करें 200-250 पे वो भी खड़े करें, वो भी खड़े करें, लेकिन सबको बंटवारे में तो गठबंधन खत्म हो गया ना, बाद में भले ही हो जाए। सुमित देखो, जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात करो ना, सबको पता होता है कि किस सीट पर कौन सी पार्टी का कैंडिडेट कमजोर है। जो अभी बात आ रही है, जो अभी नकवी साहब कह रहे थे बीजेपी की 78 सीटें ऐसी हैं कि जहां पर कभी शिवसेना नहीं जीती, निश्चित रूप से वहां या तो कांग्रेस जीतती रही होगी या राष्ट्रवादी कांग्रेस जीतती रही होगी। चूंकि इस बार कांग्रेस को आप पहले मान के चलिए, यू कैन राइट ऑफ कांग्रेस इन दीज इलेक्शन, इस महाराष्ट्र के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की हालत वही होने वाली है जो उत्तर प्रदेश में हुई थी, यह निश्चित मान के चलिए आप। चूंकि जितना 15 साल की एंटी कंपेसी कांग्रेस ने जो पैंतरेबाजी की है, पहले विलासराव देशमुख, फिर सुशील कुमार शिंदे, फिर विलासराव देशमुख, फिर अशोक चव्हाण और फिर पृथ्वीराज चव्हाण, और पृथ्वीराज चव्हाण ऐसे मुख्यमंत्री साबित हुए जिनका ना हवा में कहीं है ना जमीन में कहीं है, वो ऊपर से ला करके फेंक दिए गए। इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस पॉलिटिक्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, साफ दिखाई दे रहा है कि असली लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में होनी है। बीजेपी इसीलिए पोस्टिंग कर रही है, उसको भी पता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ और नरेंद्र मोदी का प्रखर राष्ट्रवादी चेहरा होने के साथ शिवसेना का कोई नेता नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके, उनके ऑरा को कम कर सके। अमित मिश्रा साहब, प्रश्न ये है, ठीक अमित मिश्रा साहब, सवाल ये है कि अगर एनसीपी के जहन में सब चल रहा है, एंटी इनकम्पेंसी आप लोगों के खिलाफ है, फायदा और नुकसान जो है वो कहीं नुकसान कहिए, एनसीपी को नुकसान झेलना पड़ेगा, इसीलिए अब इस बार वो फॉर्मूला जो आपने 1990 में बनाया था वो बदलना चाहती है कहीं ना कहीं एनसीपी, यही कारण है, इसी वजह से ये तलखियां सामने आ रही। नहीं नहीं, मैं अपने साथी की बात से इत्तफाक नहीं रखता हूं, उन्होंने किस मापदंड पे किस नजरिए से बयान दिया, नहीं जो परिस्थितियां उन्होंने गिनवाई वो तो बिल्कुल नहीं नहीं सही कही, क्या परिस्थितियां गिनवाई, लगातार मुख्यमंत्री देखिए भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। मैं आपका साथी नहीं हूँ, नहीं मैं साथी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप हमारे साथ, नहीं नहीं पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पीयर का मतलब ये नहीं है कि आप मेरी पार्टी के बिलोंग करते हैं तो मैं आपको साथी कह सकता हूं, को पैनलिस्ट ना, को पैनलिस्ट है बिल्कुल, लेकिन आपके पास बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। यस यस ठीक है, यू हैव राइट, बिल्कुल बिल्कुल अपनी बात, ठीक मैं उसका रेस्पेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहिए आप अपनी बात। अमित मिश्रा, तो कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं है कि जो एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है उसे कहीं से कहीं से खतरा है, और इस वजह से वो तलखी दिखा रही है। अगर इस वजह तलखी दिखा रही होती तो पूर्णतः स्वतंत्र हैं दोनों पार्टियां, वो घोषणा कर सकती हैं, क्यों 10 या 12 सीटों पे वो विचार नहीं, कांग्रेस के, नहीं कांग्रेस के पास अगर यहां पर ये तमाम चीजें जो कपूर साहब ने कही अगर इनको मान लिया जाए तो कांग्रेस कहां से तलखियां दिखा सकती है, तलखियां तो फिर एनसीपी की तरफ से दिखाई जाएंगी। नहीं कांग्रेस क्यों नहीं दिखा सकती, नहीं परिस्थितियां नहीं है ना उस हिसाब से, मैंने क्या कहा, नहीं नहीं सुमित जी आप परिस्थितियां कैसे काउंट कर रहे हैं, ये कहा अरे लोकसभा चुनाव देखिए ना साहब, लोकसभा चुनाव परिस्थितियां रही हैं पूरी तरीके से, राइट ऑफ सुमित जी यही तो बेनिफिट मिलना है लोकसभा चुनाव में, जो अभी बताया कि मोदी जी का जो ओरा है जिसको डेफिनेशन किया ओरा बताया, वो ओरा टूट चुका है, आपने देखा भी उपचुनावों में क्या हाल हुआ है, सब जगह से मात मिली है, और चुनावों में एक मिनट कपूर साहब एक मिनट, मैं आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, नहीं एक बार मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, नहीं एक मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। देखिए उपचुनाव जो होते हैं वो स्थानीय समस्याओं पर, आपको याद होगा अगर आप राजनीति के छात्र रहे हैं 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी थी हेमवती नंदन बहुगुणा को हराने के लिए,
लेकिन हेमवती नंदन बहुगुणा फिर भी जीत गए थे और उन्होंने 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 84 में और उन्होंने उन्होंने 84 को छोड़िए ना, उन्होंने 84 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, नहीं बोला कि 84 को तो मृत्यु हो गई थी इंदिरा गांधी लेकिन हारे ना। मैं उपचुनाव की बात कर रहा हूँ, लेकिन हारे ना आप। मैं उपचुनाव की बात कर रहा हूँ यार। देखिए कपूर साहब, आप चाहे लोकसभा चुनाव की बात, चाहे उपचुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, ऐसा नहीं, जनता मत देती है अपने नेता को, अपनी पार्टी को, उसकी विचारधारा उसी से। और जबकि उपचुनाव में तो और फायदा मिलना चाहिए था, क्योंकि एक जनमानस की मेंटेलिटी होती है कि जिसकी सरकार है उसी के नुमाइंदे को चुना जाए। अभी आप राजनीति पढ़िए थोड़ी सी। कोई बात नहीं, मुझे उससे जरूरत नहीं है पढ़ने की। अभी मैं अपनी अपनी पार्टी के लिए और अपने जीवन के लिए सक्षम हूँ। मुझे उसमें नहीं चाहिए ज्ञान की मैं राजनीतिक ज्ञान पढ़ूँ या सामाजिक ज्ञान पढ़ूँ। जितना मुझे ज्ञान है मैं उसमें सर्वाइव कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं वो ठीक है मिश्रा साहब, सवाल यही है। मैं एक बार फिर से उसी सवाल पर आना चाहता हूँ। सवाल यही है कि क्या जो परिस्थितियां बनी हैं कांग्रेस के खिलाफ लोकसभा चुनाव के अंदर, उनका फायदा एक बार फिर से बीजेपी को नहीं मिलेगा? नहीं, मेरा सवाल सुनिए पहले, क्या इस बात की गारंटी है कि उसी तरीके से वो परिस्थितियां नहीं बन रही हैं दोबारा से? कांग्रेस एनसीपी के बीच में परिस्थितियां क्या सिर्फ इसीलिए बनी हैं कि लोकसभा चुनाव के बीच में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा, जो जग जाहिर है, एनसीपी खुद ये दावा कर रही है कि कांग्रेस से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन हमारा लोकसभा चुनाव में रहा है, और आप कह रहे हैं कि उनको कंसिडर ना किया जाए? नहीं, बिल्कुल कंसिडर किया जाए ना, लेकिन यह कह देना कपूर साहब का कि सब पार्टियां 200-200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, तो फिर ये वाद विवाद और ये सब किस लिए? दोनों पार्टियां सक्षम है, वो राज्य स्तर पर सक्षम है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी, फ्रेंडली कंपटीशन होगा यहाँ पर। फ्रेंडली कंपटीशन तभी होता है, टोटल 288 सीट्स हैं, उसमें 200 पे कांग्रेस लड़ेगी, 200 पे एनसीपी लड़ेगी, 200 पे शिवसेना लड़ेगी, तो कहेगा फ्रेंडली कंपटीशन वो रह गया। चलिए, तो बिल्कुल एक नया फॉर्मूला दिया है। अगर इस तरीके की परिस्थितियां बनी है, नहीं दिनेश जी, अगर आप लोग ये दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से फायदा आप लोगों को मिला था, लेकिन वो फायदा शिवसेना और बीजेपी गठबंधन को मिला था, आपको लगता है कि अगर जो परिस्थितियां या जो दरार आप लोगों के सामने नजर आ रही है उससे फायदा कांग्रेस एनसीपी को नहीं होने वाला है? क्योंकि आपसे कुछ बेहतर परिस्थिति में जरूर कांग्रेस एनसीपी दिख रही है। बयानबाजी का दौर नहीं शुरू हुआ है आपके यहां, तो अल्टीमेटम वाली बात आ गई। आज ही बयानबाजी हुई है। आज फिर प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि उनको 12 घंटे का समय, कभी वो उनको 12 घंटे का समय देते हैं, कभी वो उनको 12 घंटे का समय देते हैं, और हमारे यहाँ आज तक ऐसी परिस्थिति नहीं किसी ने। अरे आप मुझे एक चीज सुमित जी बता दीजिए, चल रहा है आज नहीं चल, आप लोगों का कहीं चलता होगा, मैं सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का स्टेटमेंट या शिवसेना के किसी नेता का स्टेटमेंट हो कि हमारा गठबंधन टूटने जा रहा है, इस तरह का कहीं सारे लोग, दोनों पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम गठबंधन चाहते हैं, हमारा गठबंधन था, है और रहेगा, मैं आपको कह रहा हूं। और दूसरी चीज, अभी जिसकी चर्चा अमित भाई कर रहे थे ना, वहां संकट इस बात का नहीं है, आपने मलाई खाई, क्योंकि सबसे बड़ा जो इस समय मुद्दा है पूरे देश में ना, वो है विकास का और भ्रष्टाचार का। जो भी चुनाव हो रहे हैं, अभी आप बाई इलेक्शन की चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं, हमारे साथ ही बहुत कुछ हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें, इस उपचुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला, ये कष्ट नहीं है, हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं, महाराष्ट्र के संदर्भ में आना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको मानना पड़ेगा, और महाराष्ट्र में मुद्दा है। आज एनसीपी और कांग्रेस आपस में साथ जाने के लिए इसलिए डर रहे हैं कि आपने 10 साल मलाई खाई, अगर पिछला हम शासन छोड़ दें, अब आप अजीत पवार के खिलाफ जांच के आदेश दे रहे हैं, नंबर एक, तो क्या उससे मित्रता बढ़ेगी कि कटुता बढ़ेगी? दूसरी चीज, क्या आप आदर्श घोटाले के आदर्श को वहां की जनता भूल जाएगी? अब उसके कितना उसको फायदा होगा, कितना उसको नुकसान होगा, एनसीपी इन सारी चीजों का आकलन कर रहा है, कांग्रेस भी आकलन कर रहा है कि सिंचाई घोटाले में अगर अजीत जी का नाम आया तो क्या उनके साथ जाने से कांग्रेस को नुकसान होगा? तो और जो विदर्भ में जो किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, क्या उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को नहीं भुगतना पड़ेगा? दिनेश जी, मुझे लगता है ये खामियाजा भुगतने की जो परिस्थितियां हैं वो तो तब आएंगी ना, जब आप लोगों की तरफ से किसी बात हमारी तरफ से कहीं खुलासा हो जाए, कम से कम आप लोगों की सीटों का बंटवारा सही तरीके से हो जाए, वो परिस्थितियां जो है वो तो खुद बिगड़ रही है। बताइए कि कहीं सीटों के बंटवारे के बाद, ठीक है, जब तक सिर्फ जब तक सीटों का बंटवारा, कल महाराष्ट्र के लिए लोग बैठेंगे, जब चर्चा हो जाएगी तो आप देख लीजिए, कहीं अगर एक सिंगल विवाद हो तो आप डिस्कस करिएगा। अरे ये छोड़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये साहब घूम कर आ गए, उद्धव ठाकरे से मुलाकात हुई, नहीं ये प्रक्रिया है ना, उसके बाद सुमित सुमित प्रक्रिया है। एक मिनट में यहाँ आना चाहता हूँ। ये बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले बढ़ चढ़ करके बात कर रहे हैं, ऐसा स्थिति ऐसी नहीं है कि गठबंधन रहेगा तो इतनी काहे के लिए नाटकबाजी कर रहे हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण कही है अभी इन्होंने, दिनेश सिंह जी ने, विदर्भ की,
विदर्भ के मुद्दे पर ही बहुत दोनों आप गठबंधनों में देखें, दोनों गठबंधनों के बीच में गहरा मतभेद है। भाजपा विदर्भ के समर्थन में है, शिवसेना पूर्णतः विरोध में है। भाजपा के एजेंडे में है विदर्भ राज्य का बनना, उधर दूसरी तरफ एनसीपी के एजेंडे में है विदर्भ राज्य का बनना। कांग्रेस इसके ना इधर है ना उधर है, कांग्रेस बफर में रखना चाहती है दोनों तरफ। लेकिन कांग्रेस का पिछले 67 वर्षों से जो शासन रहा है उस दौरान विदर्भ नहीं रहा, धोते साहब हुए, इतने बड़े बड़े लीडर हुए विदर्भ के, कांग्रेस ने कभी उनका साथ नहीं दिया इस। लेकिन भाजपा का जो रिकॉर्ड है वो पिछले अपने 6 वर्ष के शासन में उन्होंने 3 नए राज्य बनवा दिए, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये बनवाए। कांग्रेस का जो नया इतिहास है वो सिर्फ तेलंगाना है, और वो इस प्रकार से राज्य बना कि वहां पर तमाम जो है वो भूख हड़तालें हुई, लोग जो है वो मारकाट मची, खैर ये अलग बात है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार विदर्भ का मुद्दा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, और इस मुद्दे पर भी ये गठबंधन के अंदर जो रस्साकशी चल रही है, जो लागडाट चल रही है, उसमें ये विदर्भ भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पीछे जब लोकसभा का सेशन चल रहा था तो एनसीपी ने लोकसभा के बाहर, माने अब तो जंतर मंतर तक आने देते हैं, वहां प्रदर्शन कराया था विदर्भ के पक्ष में। भाजपा ने अपने एजेंडे में विदर्भ को लिया है, और अगर आप पिछले लोकसभा के चुनावों को भी देखें तो विदर्भ में 11 में से 10 सीटें बीजेपी, शिवसेना नहीं, विदर्भ शिवसेना का कभी प्रभाव क्षेत्र नहीं रहा, मराठवाड़ा रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चतुष्कोणीय संघर्ष होगा, क्योंकि मराठवाड़ा में सिर्फ बीजेपी का मुकाबला कोई कर सकता है तो शरद पवार कर सकते हैं। ठीक है, मराठवाड़ा उनका प्रभाव नहीं, रमेश साहब, अगर जिन चीजों के या जिन परिस्थितियों की यहां पर जिक्र कपूर साहब कर रहे हैं, इन परिस्थितियों का नंबर तो तब आएगा ना जब आप लोग सही तरीके से अपने सीटों का बंटवारा कर ले, अपने गठबंधन को बचा सके। लेकिन तमाम पार्टियां, 4 पार्टियों के नाम से जो सामने हैं, उन पार्टियों के बीच में खुद में ही तालमेल सामने नहीं आ पा रहा है। सवाल यह है कि अगर यही परिस्थितियां रही, अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव का दावा कर रही है कि लोकसभा चुनाव की तरह उसको फायदा होने वाला है, तो वो किस तरीके से होगा? क्योंकि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन पर खुद ही परिस्थितियां साफ नहीं हो रही हैं, चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, और दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस है जो ये सोच रही है कि एक बार फिर से पलटा, जो पास आया पलट जाएगा, लेकिन पलटेगा कैसे? मैं आपको, सुमित जी, आप तो कहीं और उलझ गए, उलझा दिए लोगों को। बात इतनी सी है कि जो महाराष्ट्र की जमीनी हकीकत है, देख, कांग्रेस एनसीपी के अलायंस की जहां तक बात करते हैं, पहले तो कपूर साहब मैं बता दूं, वहां कोई चतुष्कोणीय संघर्ष होने की संभावना भी नहीं है। या तो दुकोणीय होगा या ज्यादा से ज्यादा एमिनेंस फैक्टर त्रिकोणीय होगा, चौकोणीय तो होने की संभावना ही नहीं है। तो गठबंधन नहीं टूटेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा, दोनों अपने अपनी जगह पे आ जाएंगे। झगड़े होंगे सीट के कम बेसी पे, गठबंधन रहेगा। दिनेश जी, मैं किसी को रोक नहीं रहा, तो गठबंधन जो है टूटेगा नहीं, दोनों अपने अपने बात जगह पे आ जाएंगे। दूसरी बात है कि कांग्रेस एनसीपी इस समय बहुत ही ज्यादा नुकसान की स्थिति में अगर हो भी तो उसका स्टेक पे नहीं है, स्टेक पे शिवसेना बीजेपी का है। अब बीजेपी इसी को समझ, बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, और एनसीपी और सिर्फ दोनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो क्षेत्रीय पार्टियों का दबाव वहां ज्यादा है। ठीक ठीक है, सवाल यही है, लेकिन कि अगर ये जो पॉलिटिक्स यहां पर हो रही है, किसको बढ़ेगी? ठीक नहीं, एक ब्रेक ले लो मैं रमेश कुमार साहब यहां पर, और वापस आएंगे और मौका मैं पूरा दूंगा आपको यहां पर बोलने का। सवाल यही है कि आखिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है या दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। तो सियासत महाराष्ट्र की कहीं ना कहीं गर्मा रही है, और सवाल यह है कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सवाल कांग्रेस एनसीपी पर भी है, क्योंकि वहां से भी परिस्थितियां साफ नहीं हो रही हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का इस पूरे मामले पर और बीजेपी शिवसेना या कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन पर क्या कुछ कहना है, आइए सुन लेते हैं। बातचीत चल रही है, नेतृत्व एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मुझे लगता है और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सबको पता है चुनाव है, तो मुझे लगता है जल्द ये सब स्पष्ट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेताओं ने हमें यहां बुलाया था, जो शिवसेना और बीजेपी के बीच में युति के बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में जो बातचीत चल रही, उसकी जानकारी हमें दी है, और युति अभी किस पोजीशन पे है
और उसमें आपके बारे में भी क्या उनकी राय है ये भी हमें उन्होंने बताया है। देखिए हमने उनसे कहा है कि महाराष्ट्र की जनता ये चाहती है कि महायुति एक साथ रहे, भले सीट के एक दो सीट इधर हो या उधर हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। शिवसेना के नेता सुभाष देसाई जी ने भारतीय जनता पार्टी को एक प्रस्ताव दिया है जिसमें 126 सीटें भाजपा लड़े, 7 सीटें शिवसेना स्वाभिमानी शेतकरी संघटना को देगी और 155 सीटें शिवसेना लड़ेगी। सुभाष देसाई जी ने कहा है कि इस विषय पर विचार करके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे से संपर्क करें। धीरे जी बार बार कोशिश यही हो रही है या जिस तरीके से अभी आपने कुछ देर पहले भी कहा था कि गठबंधन हो जाएगा, तमाम नेता यही कह रहे हैं, कोई ये नहीं चाहता है गठबंधन ना टूटे। जाहिर है 2-4 सीटों को लेकर बात चल रही है, तो ये वक्त क्यों लग रहा है 2-4 सीटों को लेकर? नहीं देखिए सुमित जी, हमेशा मामला 2-4 सीटों को ही लिख फंसता है, बाकी तो सीटों पर समझौता हो ही जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिवसेना यही चाहती है कि हम लोगों को हमारे गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। हमारा सिर्फ यार जो जिसकी बात अभी चर्चा आप कर रहे थे हम लोग कि कई ऐसे सीटें हैं जिनकी चर्चा की गई कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना कभी जीती नहीं है। दिनेश जी देखिए मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है कि मैं राजनीति का बहुत प्रकांड पंडित हूं, जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि लोकसभा और विधानसभा के अंदर आप लोगों का जो गणित रहा है लोकसभा के अंदर, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी के होने के नाते ज्यादा चुनाव ज्यादा सीटों पर लड़ती रही है और विधानसभा में शिवसेना, यही राय मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं जी? तो अब ये परिस्थितियां क्यों बदल रही? अब असल में जो अभी आपने देखिए दो चीजें, लोकसभा में उन्होंने अपना धर्म निभाया, आपने ज्यादा सीटें लड़ी, अब उनको अपना मौका दीजिए आप। नहीं नहीं बात इसमें नहीं है, बात ये है कि देखिए कम सीटें लड़कर भी भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा सीटें विधानसभा में भी जीती, बात ये नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है इन्हीं सब मसलों पे वहां चर्चा चल रही है ना, जो गतिरोध थोड़ा बहुत आपको नजर आ रहा है मीडिया में नजर आ रहा है उन्हीं 4-6-10 सीटों को लेकर है, बाकी तो सारी समस्या सुलझी हुई है, तो उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैं कांग्रेस और एनसीपी के बारे में, आप देखिएगा कल फैसला हो जाएगा कितनी सीटें में भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है, कितने पर शिवसेना, वो बात चल रही है पार्टी के स्तर पर, वहां के प्रदेश इकाई के स्तर पर, कल फैसला हो जाना उसका। और दूसरी चीज जो अभी चर्चा हो रही थी एनसीपी और कांग्रेस की, हाल के लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने अपनी परिणति देखी है कि एनसीपी को 4 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा है, इनको पता है कि इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। और सुमित जी जब भी कोई नाव डूब रही हो तो उस नाव को बचाने के लिए हमेशा जो अच्छी नाव हो, जो नाव तैर रही हो, वो उस नाव को बचा सकती है। अगर एक नाव डूब रही है और दूसरी डूबते हुए नाव का सहारा वो लेना चाहे तो मुझे लगता है वो दूसरी वाली जो कम डूबती हुई नाव है और जल्दी डूबो देती है। कौन ले रहा है? इस कांग्रेस और एनसीपी का, कांग्रेस भी डूबता हुआ जहाज है और एनसीपी भी, कांग्रेस जो है 2 सीटें पाई और एनसीपी 4, इसलिए जो उनके यहाँ जो दिक्कत है, दिक्कत इस बात का है कि क्या उन दोनों के गठबंधन कर लेने से और ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा। हमारे यहाँ ये चर्चा नहीं है, हमारे यहाँ इस बात के लिए लेकर बात चल रही है। मुख्यमंत्री के नहीं है? नहीं मुख्यमंत्री को बात ही नहीं है, कहीं कोई सवाल ही नहीं आज तक कहीं कोई मुख्यमंत्री नहीं। उद्धव ठाकरे ने भी कोई चर्चा नहीं की, उद्धव ठाकरे सिर्फ सीट को लेकर चर्चा है। उद्धव ठाकरे साहब खुद कह चुके हैं इस बात को लेकर, तो सवाल तो वही फंस रहा है। मूलता प्रश्न यही है मुख्यमंत्री का, चाहे कांग्रेस एनसीपी हो या फिर बीजेपी शिवसेना, ठीक है? नहीं कहीं सुमित जी कहीं चर्चा ही नहीं है, हम कह रहे हैं आप गठबंधन हो जाने दीजिए और सारे लोग मिलकर, इस बार ऐसा तय किया गया है हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मूल प्रश्न तो यही है रमेश जी, मूल प्रश्न कहीं से नहीं है। दिनेश जी अब सवाल है कि मूल प्रश्न पे सुमित जी बार बार सवाल, ये आप माने ना माने जनता देख रही है, मीडिया देख रही है, अखबार देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं, और कौन सच्चाई क्या है जनता जानती है, और यही कारण है कि राजनीतिक नेताओं पर विश्वास करना लोगों ने छोड़ दिया है। नहीं नहीं गलत बात आप कह रहे हैं रमेश जी, आपकी इस बात से मैं नहीं जाऊंगा। आप सुनिए ना, ऐसा है देखिए राज निश्चित तौर पे, मैं एक बात क्या सुनिए, पूरी बात सुन ले रमेश जी, आपकी समस्या क्या है, आप सुनते नहीं है? नो सुमित जी को चुप रहने के लिए, सुमित जी आपने बीच में सुन लेते नहीं कर सकते, नहीं आपने कहा नेता की लड़ाई है, आपने कहा विश्वास उठता जाए। उद्धव ठाकरे जी कह रहे मुझे बनना है, आपका जनाब महाराष्ट्र में जनाब, आपकी नाव में छेद हो चुकी है और छेद दिख रहा है आपको। रमेश देख लिए छेद हो रहा है, किस चश्मे से देखते हैं? मेरा कहने का चश्मा मेरा वास्तविक है, मेरा रंगीन चश्मा नहीं है। देखिए मेरा मेरा चश्मा राजनीतिक नहीं है दिनेश जी, लेकिन आपका चश्मा राजनीतिक है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे राजनेता थे कि लोगों की आस्था और विश्वास दोनों बढ़ाए राजनीतिक
नेताओं पर। आप सारे गिरना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया। मोदी का नहीं हुआ, किसका गिरा है? आपका चप्पल है जी, मोदी किसका गिरा है? मोदी जी का कहीं नहीं गिरा है। किसका गिरा है? नहीं बताइए ना, मोदी जी यूपी में क्यों हारे, बिहार में क्यों हारे, मोदी जी के प्रचार करने, राजस्थान में क्यों हारे, गुजरात में समय छाप करते हैं नहीं, गुजरात में मोदी जी वहीं थे, गुजरात नहीं थे। आप लाल दिनेश जी मानिए, मेरे पास कोई चश्मा नहीं है, चश्मा तो आप लोगों के पास नहीं है, आप लोगों के पास देख रहे हैं। नहीं रमेश जी ठीक है, आप एक दुनिया जो बात मान लें, जो आप कह रहे हैं, मैं कहां कह रहा हूं मान लीजिए, दिनेश जी सुनिए, नहीं नहीं ठीक है दिनेश जी, ठीक है आपत्ति मत, दिनेश जी तर्क देंगे, आप आपत्ति मत जताइए जो मैं कह रहा हूं, गलत तर्क देंगे नहीं, ठीक है नहीं सुन ले, आप सुन लीजिए बात, सुनते हैं आपको मौका आगे काटिए, एक एक करके बात रखते हैं, दिक्कत की बात है, आप अपनी अपनी पार्टी की बात रखने आए, रखिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सच्चाई जो है मुझे तो सच्चाई कहनी है, ना इनकी कहनी है ना आपकी कहनी है, बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल अपनी बात रखिए, सच्चाई है कि वहां पर इस समय फिलहाल दो क्षेत्रीय पार्टियां की आपस में तालमेल चल रही है और राष्ट्रीय पार्टियां देख रही हैं आप, और राष्ट्रीय पार्टी जो अच्छा कांग्रेस एनसीपी में जब इस तरह की जो हालत यहां की है सुमित जी, तो मुझे कहीं ना कहीं एक कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन में मर्यादा और झगड़े की थोड़ा सा इंटेंसिटी कम है, यहां ज्यादा है, क्योंकि ये सत्ता में ही आएंगे, सत्ता में ही इनको आना है, दिक्कत नहीं, सत्ता में आ पाएंगे, लेकिन सत्ता के बाद आपको सोचिए, अगर आपको शिवसेना झगड़ा होगा तो ना वो रहेंगे, आप तो नहीं रहेंगे, वो तो फिर भी रह जाएंगे, और उनकी 19 सीट पार्लियामेंट में है, लोकसभा में आपकी बहुमत से 10 सीट ज्यादा है, उनकी 19 सीट पार्लियामेंट में है, राज्यसभा में आपको अपनी सीट बढ़ानी है, तो आपका गवर्नमेंट है, स्टेट में सीट लानी है, गवर्नमेंट बनानी है, राज्यसभा में सीटें बढ़ानी है, अपनी लोकसभा की सरकार बचानी है, तो आपकी मुसीबतें ज्यादा है, कांग्रेस की मुसीबतें नहीं ज्यादा, ठीक आप ज्यादा अपनी चिंता करें, आपकी तरफ है, कौन कह रहा है, कोई मना कर रहा है, लेकिन ये कहना हमारे साथी का, पत्रकार बंधु का, कि जो है मोदी जी का की लहर कम हो रही है, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, अखबार कह रहा है, सब सर्वे कह रहे हैं, सुमित जी मैं सर्वे के माध्यम से अपने साथी से सवाल पूछना चाहता हूं कि लहर कैसे आप नापते हैं, जब कोई वस्तु कोई ठहरा हुआ पानी है उसमें कोई पत्थर पड़ता है, कोई जीव जाता है, तभी तो लहर उत्पन्न होती है, जब उस पानी में मोदी जी उतर ही नहीं रहे, आप लहर नाप रहे हैं मोदी जी की, हमारे सिर्फ कहने का मतलब यही है कि जिस कारक के नाते उसमें लहर पैदा हो रही है, आप उसको तो नाप सकते हैं, लेकिन आप चुनाव में मोदी की लहर नाप रहे हैं तो क्षमा कीजिएगा, अभी 100 दिन पहले आपने लहर नापा था, और दूसरी चीज जो हमारे साथी बात कर रहे थे पत्रकार बंधु, मैं कहां कह रहा हूं, मना कर रहा हूं कि निश्चित तौर हमको ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीतना है, निश्चित तौर पर अगर हमारे दोनों के बीच में अगर कोई दिक्कत आती है तो चुनाव पर उसका प्रभाव, हम मना किए हैं, चुनाव पर प्रभाव पड़ता है, जनता जानती है, नहीं जो सही मुझे आपकी बात समझ में नहीं, दिनेश जी मैं समझ गया आपकी बात, नहीं आप एक बात बताइए, अगर यही परिस्थितियां हैं जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मोदी की लहर इसलिए नहीं नापी जा सकती क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा वहां नहीं दिखाया जा रहा है, गोपीनाथ मुंडे के बाद आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है, तो फिर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाया गया, विधानसभा चुनाव में किसका दिखाया जा रहा है? नहीं, वो समय आने पे ना, आप लोकसभा में हमने कैंडिडेट पहले उतारा, पहले हमने प्रधानमंत्री की घोषणा की, सुमित जी क्षमा कीजिएगा, और आप ही लोग होते थे और बहुत सारे पत्रकार बंद होते थे, सारे टीवी चैनलों पर न्यूज चलता था कि आने वाले 20 वर्षों में किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, यही कहते थे लोग कि अब गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू है, सब लोग यही समीक्षा करते थे, लेकिन पहली बार नहीं, भारतीय राजनीति में हुआ है, मैं भी एक बार कह दूं आपको, खत्म हुए हैं, नहीं मैं भी एक बात कह दूं आपको दिनेश जी, अगर 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 नहीं, एक मिनट मुख्यमंत्री पद की, नहीं एक मिनट लोकसभा चुनाव में शायद सबसे ज्यादा बात जो हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में आने की बात हुई है और एंटी इनकंपेंसी कांग्रेस के खिलाफ की बात हुई है, और शायद ये जो आप जिक्र कर रहे हैं कि शायद एक बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, ऐसा कहीं नहीं हुआ था, सर्वेज ने पहले शुरुआत में दिखा दिया था, नहीं, शायद सबसे ज्यादा आप ही के पक्ष में हुई थी बात, जब हम सब चर्चा करते थे, राजनीतिक विश्लेषक चर्चा करते थे, मुझे लगता है थोड़ा सा पीछे ले जाए तो लोग कहते थे ठीक है, नहीं गठबंधन का महाराष्ट्र इस तरह से राजनीतिक माहौल है, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है सुमित जी, मैं बार बार कहता हूं कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, उसके पहले तक लोग सस्पेंस करते थे कि नहीं ये होंगे, कौन होगा, कौन, प्रमोद महाजन जी थे महाराष्ट्र, उनके चले जाने के बाद गोपीनाथ मुंडे हुए, दुर्भाग्य बस गोपीनाथ मुंडे जी नहीं, तो पार्टी जिसको नेता के तौर पर प्रस्तुत करेगा, आप मध्य प्रदेश में ले लीजिए, लोग करे तो उमा भारती जी के बाद कौन जाएगा, शिवराज जी चौहान वहां गए, वहां जूदो जी छत्तीसगढ़ की बात थी, वहां उनके बाद मुख्यमंत्री कौन होता, रमन सिंह जी बहुत अच्छा चला रहे हैं, तो हमारे कहने का सिर्फ इतना सा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कार्यकर्ता को, एक सामान्य कार्यकर्ता को भी नेता के रूप में वहां प्रस्तुत हो जाएगी, और फिर जब नेता के रूप में
पार्टी किसी को प्रस्तुत करती है सुमित जी, तो फिर उसकी पार्टी, पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी हो जाती है। ये होता है उस नेता का ताकत, उस राज्य के जिसको भी नेता वो प्रोजेक्ट करेगी तो उसके पीछे वहां की पूरी पार्टी खड़ी होगी, इसलिए उसकी मजबूती आती है। ठीक, अमित मिश्रा साहब, अगर यही परिस्थितियां बनी रही जो लोकसभा चुनाव में थी, क्या ये बदल गई हैं इस दौरान, इस जितना वक्त बीता है? दूसरा, कांग्रेस और एनसीपी के बीच में जो खटास नजर आ रही है, इसका फायदा कहीं ना कहीं क्या बीजेपी और शिवसेना को नहीं होगा अगर यही परिस्थितियां बनी रही आप लोगों के बीच में भी, क्योंकि आप भी उलट नहीं है उनसे? देखिए सुमित जी, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि हमारे बीच में मतभेद है, मनभेद नहीं है, कहीं से कहीं तक भी कोई खटास नहीं है। तो वो भी पड़ेंगे, बिल्कुल वो सुलझेंगी। कल हमारे दोनों राष्ट्रीय नेता संभवतः मिल रहे हैं और लगभग, मैंने आपको शुरुआत में बताया, लगभग 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर कुछ गतिरोध है, वो दोनों राष्ट्रीय नेता मिलकर उनका समाधान कर लेंगे। अब रही बात कि क्या जो लोकसभा चुनाव हुए थे वही स्थिति दोबारा रिपीट होगी या हम कुछ बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तो सबसे बड़ी बात है आज लगभग 4 महीने मोदी जी की सरकार को हो चुके हैं और उन 4 महीनों में जनता ने देखा है कि जो जो काम मोदी जी ने बोले थे उन पर क्या अमल किया गया। वो तो कह रहे कि हम तो चेहरा ला ही नहीं रहे ना सामने नरेंद्र मोदी का। चेहरा तो चेहरा, अब मेरी बात सुन लीजिए, चेहरा आप क्यों नहीं ला पा रहे हैं? चेहरा इसलिए नहीं ला पा रहे हैं कि जो इसका शिवसेना का और इसका गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें सभी लोग लालियत है। अगर आज ये डिक्लेयर कर देते हैं किसी नेता को तो अभी सिर्फ टपकली स्थिति हो जाएगी। उद्धव ठाकरे जी एक बार नहीं कई बार बयान दे चुके हैं कि इस बार सीएम हमारी पार्टी का होगा और मैं खुद रिप्रेजेंट करूंगा और मैं जनता के बीच में जाऊंगा एज ए सीएम। और भारतीय जनता पार्टी का विनोद तावड़े जी कभी बोलते हैं कि मैं गृहमंत्री बनूंगा, कभी बोल आज का स्टेटमेंट है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो अभी से जो पोर्टफोलियोज हैं वो भी बटने स्टार्ट हो गए हैं। तो इनमें तो अभी से ही सिर्फ टप्पल की स्थिति पैदा हो गई है कि यदि हम सरकार में आते हैं तो मैं गृहमंत्री, तुम वित्त मंत्री, तुम ये मंत्री। सुमित जी, हमारी पार्टी में कभी इस तरह का नहीं होता है कि लोग अपने आप पद बांट लेते हैं। कौन विनोद तावड़े जी ऑन कैमरा बोला है, ये ऑन कैमरा बोला है भाई, जब तक गठबंधन नहीं हो रहा है, जब तक कैंडिडेट नहीं घोषित हो रहे हैं, तब तक तो आप कह भी नहीं सकते कि कौन कैंडिडेट होगा कौन नहीं होगा। तो मैं दिनेश करती है, एक तो हमारे यहाँ कोई व्यक्ति पार्टी है नहीं, कोई परिवार हमारे पार्टी को चलाता नहीं, इसलिए हमारे यहाँ समस्या नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी मिल बैठकर आपस में तय करता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड का सिस्टम है जो दिखावे का सिस्टम नहीं है, जिसमें वास्तव में निर्णय लेने की क्षमता है वो हमारे यहाँ सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसमें बैठ के फैसला होता है कहाँ क्या होना है, इसलिए उसकी चिंता हमको नहीं है। और दूसरी बात कि कोई भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार चुनाव वहां लड़ने नहीं जा रही है कि कहीं से उसको किसी या पूरे देश में उसको चुनाव लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। हम नए नए जा रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी हाल में जो चुनाव हुआ है, अमित मिश्रा जी एक सवाल खड़ा कर दिए कि 100 दिन में मोदी का ग्राफ नीचे जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने जो वादे किए थे, मित्र मैं तो चुनौती देता हूं हर डिबेट में कि 100 दिन के आप किसी भी सरकार के अपने रिकॉर्ड को निकाल लीजिए और 100 दिन में मोदी जी की सरकार के रिकॉर्ड को निकाल दीजिए। अगर मोदी जी 21 ना आए ठीक, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दूसरी चीज, और कौन सा उन्होंने वादा किया जो उन्होंने पूरा नहीं किया? उन्होंने वो सारे काम कर रहे हैं जो उन्होंने कहा था और जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में आए, वो सारी चीजें लागू हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का जवाब दे दो इनके बीच में। अमित मिश्रा चलिए जवाब दीजिए। अमित मिश्रा देखिए, आपने कहा कि कौन से वादे मोदी जी ने पूरे नहीं किए, मैं वादे पूरे करने की बात भी नहीं कह रहा हूं। मैं अभी 100 दिन का समय हुआ है, समय कम है, लेकिन आप एक कदम तो बढ़ाएं उस ओर। चलिए ठीक ठीक है, डिबेट हो चुकी है, चलिए साल भर पे डिबेट बाद में करेंगे, एक साल का डिबेट हो जाए नहीं जब एक ठीक 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 पे सिमट के रह गए, निशाना नाबूद हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी अपना कदम कब्र की तरफ नहीं बढ़ा रही। ठीक है, अभी देखिएगा, ठीक है, हम भाई भतीजेवाद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम परिवार के लिए काम नहीं कर रहे, जीजा और मामा के लिए काम नहीं कर रहे। ठीक है, जब नहीं 100 दिन के आंकड़े पर या 3 महीने के आंकड़े पर जो डिबेट हो चुकी है, एक साल का जब होगा तब इस पर चर्चा जरूर करेंगे कि एक साल में क्या कुछ एनडी सरकार ने किया। रमेश कुमार साहब, जो सवाल परिस्थितियां बन रही हैं उसमें मेरा यह है कि आपने भी कुछ देर पहले कहा कि जरूर यहां पर इस तरीके के मनमुटाव की परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन दोनों ही पार्टियों के जो गठबंधन है, बड़ी पार्टियों के मैं यहां पर नाम ले रहा हूं, यहां पर एनसीपी और शिवसेना का जिक्र कर रहा हूं, इन दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन नहीं टूटेगा तो झुकेगा कौन? अगर मैं बीजेपी शिवसेना की पहले बात करूं, देखिए झुकेगा तो अंत में बीजेपी को पड़ेगा महाराष्ट्र में, अगर नहीं झुकेगी तो टूट जाएगी, बता रहा हूं मैं आपको। मैं कि आपको बता, भी आप हमारे दिनेश जी कह रहे थे कि मोदी जी को हारने की के लिए मोदी जी जिम्मेवार नहीं है, तो फिर हारने की जिम्मेवारी कौन लेगा? गुजरात की नंदीबेन लेंगी या वसुंधरा जी लेंगी, कौन लेगा? कोई जिम्मेवारी लेगा ना? जीतने का चेहरा तो बांध लेते हैं फट से,
हारने का चेहरा कौन मान देगा? निश्चित रमेश जी हमेशा लिया जाता है जिम्मेदारी, हम कोई भागते नहीं। अभी तक अभी तक कोई बयान लिया नहीं। आप देखिए अभी तक किसी जवाब नहीं, और 48 घंटे में आप निर्णय नहीं ले लेंगे ना? अब तो काफी समय क्या कारण रहा है, कैंडिडेट उतारने में कहीं दिक्कत हुई है? नहीं कोई कि चुनाव प्रबंधन में कोई दिक्कत हुई है तो लेगा। आप लोग अंतर्यामी हो सकते हैं, कोई जिम्मेवारी तो लेगा। हमारे यहाँ निश्चित तौर पर राजनीतिक व्याख्या और रमेश जी उसी का परिणाम है कि हम दो सीटों से चलकर आज प्रचंड बहुमत में है, उसी का कारण है। नहीं ठीक है, जिम्मेदारी सुन लेते हैं, आप मुझे बोलने देंगे? देखिए ठीक है, बोलिए आप रमेश, बोलिए। ऐसा है जब बीच में आपका मौका, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ बीच में। ठीक है रमेश, बोलिए आप, बोलिए। सब ना करेंगे, मैं कह रहा था पहले तो हार जीत की जिम्मेवारी भी जो जो जिम्मेवारी लेता जीतने की, हारने की जिम्मेवारी उसी की होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि अभी जो कह रहे थे, और मैं अभी आपको एडवांस में मैं बधाई देता हूं, सरकार आपकी बनेगी महाराष्ट्र में, लेकिन मतलब सरकार बनेगी इनकी, लेकिन मुख्यमंत्री आपका नहीं होगा। और अगर आप जिद करेंगे तो टूट जाएगा। मुख्यमंत्री किसका होगा? शिवसेना का बनना चाहिए। वो पहले से कह रहे हैं, नहीं पहले से कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं कम आएंगे। सुमित जी कैसे नहीं, सुमित जी यही सवाल होता है ना। देखिए हमने विधानसभा में चुनाव लड़ा, हमारी सीटें ज्यादा आई, हम लोकसभा में चुनाव, आप बोलने देंगे आप बोलते रहेंगे फिर आप कह रहे हमारी सीटें कम आएंगी, जाऊं क्या? नहीं जवाब बोलने नहीं देंगे ना। आप बोलते हो मैं बोलता हूँ बीच में, आखिरी कमेंट रमेश जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। आखिरी कमेंट है कि गठबंधन बना रहेगा, चुनाव होगा, शिवसेना गठबंधन की सरकार बनने की संभावना भी दिख रही है। अगर ये लड़ते लड़ते इतना लड़ लें कि दूसरे को देख न सके, आपस में भीतर घात शिवसेना को भाजपा हरा दे, भाजपा शिवसेना को हरा दे, तो बात और है। लेकिन जनता बदलाव के मूड में वहां पे है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखना होगा कि हालांकि ये गठबंधन दोनों ही पार्टियों किस ओर जाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल बीजेपी शिवसेना के लिए है कि ये गठबंधन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, प्रेशर पॉलिटिक्स होगी या कुछ और। वहीं सुदर्शन न्यूज का आज का सवाल है, क्या बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट जाएगा? आप अपने जवाब हाँ या ना में भेज सकते हैं। जवाब के लिए आप SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUT लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिखें, और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 08750047855 पर भेज दें। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। मध्यदर्शन न्यूज का जो जवाब हमने कल आपसे पूछा था वो था, क्या मोदी पर मुस्लिम विरोधी तमगा अब हट जाएगा? इसमें ज्यादातर लोगों का मानना है हां, यानी 75% का, और 25% का मानना है नहीं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।